देखिए, अर्जुन तेंदुलकर को एज अ फादर कहूँगा कि उसको छोड़ दो, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दो। उससे हर बार एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि उसने उसके फादर ने इस तरह से परफॉर्म किया है तो अर्जुन ने भी करना चाहिए। अगर उस तरह का प्रेशर मुझ पे भी होता तो मेरे हाथ में शायद पेन होता, क्रिकेट बैट नहीं होती, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे, लिटरेचर फील्ड में थे। मगर कभी उस समय तो आपने ये सवाल नहीं किया मुझे, मेरे फादर को, कि क्या आपका बेटा क्रिकेट की बैट क्यों हाथ में पकड़ रहा है और पेन नहीं है उसके हाथ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्जुन ने चूज़ किया है कि उसके हाथ में क्रिकेट की बैट होनी चाहिए। वो एक पैशनेट लड़का है क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के जो मैं कहता हूँ कि यू हैव टू बी मैडली इन लव विद द स्पॉर्ट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड ही इज मैडली इन लव विद क्रिकेट, एंड दैट इज वॉट मैटर्स। आई थिंक परफॉर्मेंसेस होना ना होना, मैं नहीं प्रेशर डालना चाहूँगा उसके ऊपर और आपने भी नहीं डालना चाहिए। आई थिंक कोई भी प्लेयर, उसको आप खुला छोड़ दो तो ही इज एबल टू परफॉर्म बेटर, एंड ही इज अबव ऑल ही इज एबल टू एन्जॉय क्रिकेट, एंड जस्ट दैट इज वॉट आई एक्सपेक्ट। यू नो, ही हैज टू जस्ट एन्जॉय क्रिकेट। आगे का जो स्क्रिप्ट रहेगा, वॉट एवर, वो ऊपर वाला डिसाइड करता है, हम कोई नहीं करते। Thank you.